Hello students, good morning to all of you and welcome back to the another session of this video lecture. तो आज हम लोग क्या करेंगे लेक्चर नंबर 4 में सेम चैप्टर को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ बिकॉज कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है. तो लेक्चर नंबर 4 में हैलोजन डेरिवेटिव्स के रिलेटेड मैं कुछ और क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ. रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो हम लोगों ने सॉल्व किए थे, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आज भी हम लोग सॉल्व करने वाले, ठीक है. तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं. पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखवा के दिए हुए हैं और ये दोनों क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, ठीक है. आपके नीट के क्वेश्चन पेपर में आपका ये क्वेश्चन आपके आ चुके, ठीक है. तो पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ध्यान से सारे बच्चों ने ध्यान देना है. C7H8 ये हमारे पास एक कंपाउंड है. अब वो क्या है मुझे पता नहीं, बट दैट इज अ हाइड्रोकार्बन, करेक्ट. सबसे पहले रिएक्शन करना है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट. रिएक्शन करने के बाद मेरे पास पहला कंपाउंड मिलेगा A, फिर वापस उसका रिएक्शन करना है ब्रोमीन के साथ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe. रिएक्शन करने के बाद मेरे पास बनेगा कंपाउंड B, फिर उसके बाद मेरे पास यहां पे वापस एक और बार बोला हुआ है Zn इन प्रेजेंस ऑफ HCl. रिएक्शन करने के बाद मेरे पास यहां पे बनेगा C. तो आपको यहां पे पूछा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट C, मतलब C यहां पे क्या होगा यह हमें फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास यहां पे दुनिया भर के ऑप्शन है, एम ब्रोमो टोलुविन, ओ ब्रोमो टोलुविन, 3 ब्रोमो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो टोलुविन, ट्राई क्लोरो टोलुविन एंड बी ब्रोमो पी ब्रोमो टोलुविन, ठीक है. अब इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ स्टूडेंट्स. देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. सबसे पहले चीज C7H8 आपको ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है 12th standard. जो भी लोग GW नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत आपको सॉल्व कराना चाहिए. मेरे पास यहां पे दिया हुआ C7H8. सर ये वाला कंपाउंड है ना टोलुविन है. सबसे पहले दिमाग में स्ट्रक्चर बना लो, C7H8 हाइड्रोकार्बन दिखाई दिया, आपके दिमाग में सीधा स्ट्राइक होना चाहिए सर ये स्ट्रक्चर टोलुविन का है, करेक्ट है. चलो तो टोलुविन का स्ट्रक्चर निकालेंगे. सबसे पहले मेरे पास यहां पे आ जाएगा बेंजीन. आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, जहां तक कि सॉल्व करना नहीं पढ़ना चाहिए, कैलकुलेशन दिमाग में कर लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं रिएक्शन कैसे हो रहा है. तो ये बनेगा टोलुविन प्लस रिएक्शन किसके साथ बोला हुआ स्टूडेंट, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2. कैटलिस्ट आपको यहां पर दिया हुआ है, सॉरी इन प्रेजेंस ऑफ हीट दिया हुआ है. रिएक्शन करने के बाद फटाफट बोलना मेरे पास यहां पर हाइड्रोजन कितनी बार है, 3 बार दिया हुआ है. मेरे पास यहां पे क्लोरीन कितनी बार है, टोटल 6 बार दिया हुआ है, 3 × 2 = 6. क्या करना है, 3 हाइड्रोजन को यहां से निकालो और 3 क्लोरीन को उसके जगह पे लगा दो, बहुत सिंपल, ठीक. मैंने 3 हाइड्रोजन को निकाल दिया और उसके जगह पे मैंने 3 क्लोरीन को अटैच कर दिया. तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा, फटाफट से रेडी रखो आपका आंसर, बेंजीन ऊपर आ जाएगा सी, 3 हाइड्रोजन चले गए, 3 क्लोरीन लगा दिए मैंने, यहां पर बन जाएगा Cl3, करेक्ट है, समझ में आ गया. अब इसका बाय प्रोडक्ट जो भी आता है वो बात की बात है, प्लस अगर इसका बाय प्रोडक्ट लिखना ही है तो 3 हाइड्रोजन और बाकी बचा हुआ 3 क्लोरीन, दोनों मिला के क्या बनाएंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl. हालांकि आपको लिखने की जरूरत तो है नहीं, मेन आंसर जो है उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है. पहला बन गया कंपाउंड ए. अब वापस मेरे पास यहां पर बोला हुआ है Br2, क्या बोला हुआ है, Br2, करेक्ट है. रिएक्शन करना है इन प्रेजेंस ऑफ Fe, ठीक है. अब मुझे बताओ यहां पर कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, करेक्ट. यहां पे Cl है ना, तो Cl क्या करेगा, आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोड्यूस करेगा, तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स यहां पे खींचे चले आएंगे. बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे आपका Cl जो है ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, जिसके चलते यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स खींचे चले आ रहे हैं, तो जिसका मतलब ऑर्थो और पैरा पे आप यहां पे अटैचमेंट नहीं कर सकते. अगर मेरा स्ट्रक्चर ऐसा होता तो यहां पे ऑर्थो और पैरा वाले रास्ता खुले थे, बट मैंने यहां पे क्या किया, CH3 की जगह पे मैंने बना दिया CCl3, तो यहां पे क्या हुआ, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो आप इलेक्ट्रॉन्स खींचे चले आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा जो रास्ता था यह बंद हो गया, तो खुला हुआ कौन सा है, मेटापोजिशन. तो यहां पर आपका स्ट्रक्चर बनेगा फटाफट बेंजीन ऊपर आ जाएगा CCl3, करेक्ट है. ऑर्थो और पैरा वाला रास्ता बंद हुआ है, कौन सा रास्ता खुला हुआ है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, करेक्ट है. तो यहां पे आ जाएगा आपका Br, समझ में आ गया, ठीक है. चलो ये बन गया मेरे पास कंपाउंड B. अब वापस मुझे क्या बोला हुआ है, Zn और HCl, ठीक है.
तो ये वाला जो HCl है आपको बैलेंस करने के लिए तीन बार लेना पड़ेगा, करेक्ट है? तो ये क्या करेगा, आपके सारे के सारे Cl को रिप्लेस करेगा, कौन? हाइड्रोजन, करेक्ट है? समझ में आ गया? तो यहां पे जितने भी Cl आपको दिए हुए सारे Cl को ये हाइड्रोजन क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो रिप्लेस करने के बाद मेरे पास यहां पे आंसर क्या बनेगा, बेंजीन कार्बन तीन क्लोरीन को रिप्लेस किसने किया, तीन हाइड्रोजन ने, तो यहां पे बन जाएगा CH3 और नीचे आपका कौन आ जाएगा, Br। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये वाला Br कौन से पोजीशन पे अटैच किया हुआ है, मेटा वाले में, तो ये बन जाएगा M ब्रोमो टोलवेन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो ऑप्शन में कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, सो M ब्रोमो टोलवेन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? चलो फटाफट आपके सेकंड वाले क्वेश्चन पे आएंगे, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कंसिडर द रिएक्शन। ठीक है, मेरे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 Br, नेमिंग क्या बनेगा, वन ब्रोमो प्रोपीन। रिएक्शन करना पड़ेगा सोडियम साइनाइड के साथ, दैट इज NaCl। रिएक्शन करने के बाद मेरे पास बनेगा CH3 CH2 CH2 Cn, जिसका नाम बनेगा प्रोपाइल साइनाइड, ठीक है, या फिर ब्यूटेन नाइट्राइल भी बोलोगे तो भी चलेगा। प्लस बाय प्रोडक्ट बनेगा NaBr। ठीक है, समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये जो रिएक्शन दिया हुआ, ये रिएक्शन नीचे दिए हुए कौन सी कंडीशन में सबसे ज्यादा फास्ट होगा। ठीक है, नीचे दिए हुए कौन सी कंडीशन में सबसे ज्यादा फास्ट होगा, मतलब यहां पे हमारा कैटलिस्ट क्या बनेगा, ये आपको फाइंड करना है, करेक्ट है? तो कंडीशन कौन सा रहेगा, यहां पे कंडीशन क्या रहेगा जिसके प्रेजेंस में आपका ये रिएक्शन फास्ट हो रहा है, करेक्ट है? समझ में आ गया? तो ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले चीज मुझे बताना, यहां पे रिएक्टेंट साइड पे Br था, बहुत सिंपल है, चार ऑप्शन है, इथेनॉल मेथेनॉल वाटर, और इसके बारे में तो सुना हुआ नहीं, DMF आप लोगों ने सुना हुआ नहीं, एनएन डायमेथाइल फॉर्माइड। ठीक है, बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स क्या करेंगे बता, क्वेश्चन देखने के बाद, अब इसका आंसर तो पता नहीं है हमें, सॉल्व करना तो आ नहीं रहा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा तुक्केबाजी यहां पर चलेगा, कैसे, ये वाला छोटा दिख रहा है, ये वाला भी छोटा दिख रहा है, ये वाला तो और भी छोटा दिख रहा है, सबसे बड़ा वाला देखो ये दिख रहा है, सर आंसर यही है, एकदम गारंटी, सीना ठोक के आंसर बताओगे, आंसर नंबर इज डी, ऑप्शन नंबर इज डी। ठीक है, और गलती से कभी कभार आपका तुक्का करेक्ट भी हो जाता है, करेक्ट है? तो डी इसका आंसर तो जरूर है, बट लॉजिकली अगर आप देखोगे छोटा 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 और इसका बड़ा आंसर बता रहे हो, बिल्कुल नहीं, ये लॉजिकल आंसर है। तो इसका लॉजिकल आंसर क्या रहेगा, ध्यान से समझना। ठीक है, शुरुआत मेरे पास दी हुई है Br से, रिएक्शन करने बोला हुआ है किसके साथ, NaCl। ठीक, रिएक्शन करने के बाद अचानक से आपका Br निकल गया और आपका Cn उसकी जगह पे लग गया। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास बन गया Cn प्लस आपका बाय प्रोडक्ट जो भी फलाना रहेगा NaBr, वो बन गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे यहां पे बताना, Br क्या था, न्यूक्लियोफाइल था, क्या था, न्यूक्लियोफाइल, करेक्ट है? जिसके पास कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिच, करेक्ट है? उसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग, सॉरी इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, करेक्ट है? समझ में आ गया? तो यहां पर मुझे बताना, ध्यान से समझो, इसके पास न्यूक्लियोफाइल के पास, ठीक है, कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, ये ट्रैक करेगा पॉजिटिव वाले के पास। ठीक है, चलो मुझे बताओ, Br को निकाला, उसकी जगह पे किसको लगाया हमने, Cn को। Br और Cn दोनों क्या है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफाइल है। Br और Cn ये दोनों क्या है, न्यूक्लियोफाइल। हमने इनको आपस में क्या कराया स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन कराया, इनका हमने सब्स्टिट्यूशन किया, मतलब ये रिएक्शन आपका SN1 रिएक्शन में जाएगा, किसमें जाएगा, SN1 रिएक्शन में जाएगा। दूसरी बात, अब ये SN1 हो रहा है कि SN2 हो रहा है, जरा ध्यान से समझना, Br आपकी कौन सी कार्बन पे प्रेजेंट है, प्राइमरी कार्बन पे प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये वाला जाएगा SN2 रिएक्शन में, किसमें जाएगा, SN2 रिएक्शन में जाएगा, करेक्ट है? देखो पॉइंट समझ लो, क्वेश्चन क्या दिया, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आ गया, सब्स्टिट्यूशन आ गया,
SN1 है कि SN2 है वो भी मैंने आपको बता दिया, करेक्ट है। अब इस SN2 रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट का, ठीक है। तो पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट का हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं जिसकी प्रेजेंस में आपका रिएक्शन कैसा होता है, फास्ट होता है। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है सर पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है। पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब जिसका डिसोसिएशन, कुछ ऐसे सॉल्वेंट जिसका डिसोसिएशन करने के बाद हमारे पास H प्लस आयंस नहीं मिलते। जैसे मुझे बताना, मैंने यहां पे लिखा हुआ है एच डैश ओ एच, इसका अगर मैंने डिसोसिएशन किया मुझे मिलेगा H प्लस और ओ एच माइनस। तो यहां पे मुझे क्या मिल रहा है, प्रोटॉन्स मिल रहा है बेटा, तो ये एप्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे आपका पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब जिसमें आपको एच प्लस दैट इज प्रोटॉन्स आपके नहीं मिलते, डिसोसिएट नहीं होता। तो इथेनॉल वाले केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, इथेनॉल वाले केस में आपको प्रोटॉन्स मिलते हैं, मेथेनॉल वाले केस में भी आपको प्रोटॉन्स मिलेंगे, वाटर वाला केस तो मैंने अभी आपको साइमल्टेनियसली बता दिया, इसमें भी मिलेगा। सिर्फ एक ऑप्शन आपका ऐसा बाकी बचा हुआ है दैट इज डीएमएफ, जिसमें आपका जो आपका पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, समझ में आ गया। तो इस चीज का इस्तेमाल करने के बाद, इस चीज का इस्तेमाल करने के बाद आपका रिएक्शन कैसा होगा, फास्ट होगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो आज हम लोगों ने दो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो तब तक के लिए क्वेश्चन सॉल्व करो और बाकी जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वो क्वेश्चंस को भी आप लोग लगातार सॉल्व करते रहो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।